How to fix Play Store waiting for a download problem. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्ले स्टोर पे इस प्रॉब्लम को जो है कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियो हर लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलते रहे. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको कम से कम यहाँ पे 5 सॉल्यूशन बताऊंगा जिसकी मदद से आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा. सबसे पहले मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ऑन है, ठीक है. यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं रहेगा तब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम शो होगा, ठीक है. तो आपको सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना है. उसके बाद आपको यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स पे. सेटिंग्स पे जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है, आप देख सकते हो ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, यहाँ पे क्लिक करना है. और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको यदि आपका वाईफाई पे है या फिर आस्क मी एवरी टाइम है तो आपको सेलेक्ट करना है ओवर एनी नेटवर्क. यू हैव टू सेलेक्ट ओवर एनी नेटवर्क एंड क्लिक ऑन डन. डन पे क्लिक करना है और उसके बाद में जाके आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपका एप्लीकेशन डाउनलोड चालू हो जाएगा, ठीक है. तो दोस्तों यदि आप वाईफाई के ज़रिए से करना चाहते हैं, वाईफाई आपके पास नेटवर्क अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको वाईफाई सेलेक्ट करना है, ठीक है. यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं, मोबाइल का नेटवर्क से या फिर आप जो है ओवर एनी नेटवर्क पे भी आप कर सकते हो, वाईफाई पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ये करने के बाद में दोस्तों आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होना चाहिए. बाय एनी चांस यदि आपका ये सॉल्व नहीं होता है तब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर आके क्लियर लोकल सर्च हिस्ट्री में क्लिक करके आप यहाँ पर आपका सर्च हिस्ट्री जो है आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है. यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी आपको क्या करना है. थर्ड ऑप्शन आपको प्ले स्टोर वर्जन पे क्लिक करना है और यहाँ पे वर्जन चेक करना है. यदि अपडेट आया है तो आपको प्ले स्टोर अपडेट कर लेना है, ठीक है. तो ये करने के बाद में आपका ऐप चेक कर लीजिएगा, आपका ऐप जो है बिल्कुल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा. बाय एनी चांस यदि फिर भी नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी मैं दूसरा सेटिंग्स बताऊँगा. आपको अपने मोबाइल क्या सेटिंग्स पर जाना है. सेटिंग्स पर जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एकदम नीचे आना है, एडिशनल सेटिंग्स पर जाना है. अभी एडिशनल सेटिंग्स पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एकदम नीचे आना है, बैकअप एंड रीसेट पे जाना है और यहाँ पे आपको रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स पे जाके रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली पे क्लिक करके आपका सिस्टम का सेटिंग्स, मोबाइल का सेटिंग्स को आपको रीसेट करना है यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है. तो यदि आपके पास ये ऑप्शन है तो कर लीजिए और चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बाय एनी चांस आपके पास ये ऑप्शन नहीं है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब आपको यहाँ पर दोबारा सेटिंग्स पर आना है. फिफ्थ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आपको ऐप मैनेजमेंट पर जाना है. ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों हर मोबाइल में अलग अलग शो होता है, शायद आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड ऐप्स के नाम से भी शो करे. तो यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर. तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है. ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिए या फिर सिस्टम ऐप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर गूगल ढूंढ लीजिएगा. गूगल प्ले सर्विसेस पे पहले चले जाइए और यहाँ पर आपको स्टोरेज यूसेज में जाना है. क्लियर डाटा में क्लिक करके इसे क्लियर कर देना, यू हैव टू क्लियर दिस. उसके बाद आपको बैक जाना है. बैक जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप परमिशन पे चले जाइए और ये सारा परमिशन जो है आपको एनेबल करना है, यू हैव टू एनेबल ऑल दिस परमिशन. उसके बाद बैक चले जाइए और एक बार बैक चले जाइए और यहाँ पर गूगल प्ले, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है. उसके बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना है, स्टोरेज यूसेज में जाना है. क्लियर डाटा में क्लिक करके इसे क्लियर कर देना है. अभी ये क्लियर करने के बाद में आपको बैक आना है परमिशन पर और ये सारा परमिशन आपको इनेबल करना है. उसके बाद में दोस्तों आपको अपना मोबाइल को रिस्टार्ट करना है और प्ले स्टोर में जाके आप जो है कोई भी ऐप को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा. बाय एनी चांस यदि फिर भी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम आपको शो कर ही रहा है तब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ढूंढना है सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर अबाउट फोन और अबाउट फोन के अंदर में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिलेगा. उसके बाद में यहाँ पे अपडेट चेक करना है. यदि आपके मोबाइल में एंड्रॉयड वर्जन नया वर्जन आया है तो आपको ये अपडेट कर लेना है. कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों हमारे मोबाइल का एप्लीकेशंस और हमारा एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर कंपेटेबल नहीं होने की वजह से हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है. ये डाउनलोड करने के बाद में आप जो है कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर चले आइए और इंस्टॉल पर क्लिक कर लीजिए. इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है वो वेटिंग फॉर डाउनलोड या फिर वेटिंग फॉर यहाँ पे नेटवर्क, वेटिंग फॉर जो भी है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कैंसिल कर दिया है. तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ अपने प्ले स्टोर का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.